आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल की नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि आज हम बात करेंगे पेटीएम के रिलेटेड, यानी कि पेटीएम है क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम क्या है और कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू, और कैसे रिचार्जेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे पैसे दे सकते हैं और ले सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना है क्या, आपको पहले प्ले स्टोर में जाके आपको पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। देखिए, पेटीएम एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, रिचार्ज, पेमेंट्स, मनी ट्रांसफ़र, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना होगा। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का लोगो आएगा। उसके बाद में आपको एक छोटा सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो भी पेटीएम पर। यहाँ पे देखिए, पहले आप पूरे परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। पूरे परमिशंस को अलाउ करने के बाद में आपको एक पेटीएम पे आपको अकाउंट खोलना होगा। यहाँ पे लॉग इन टू पेटीएम बोल रहा है। अगर आपने पेटीएम का अकाउंट खोल लिया है तो डायरेक्टली लॉग इन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक पेटीएम का अकाउंट नहीं खोला, यानी कि नहीं बनाया, तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहा है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुले हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यू अकाउंट खोलने में आपको करना क्या होगा। तो जब आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है मोबाइल नंबर, क्रिएट पेटीएम पासवर्ड और ईमेल आईडी। तो आपको ये डालना होगा, आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और एक पासवर्ड रखना होगा। पासवर्ड में आपको 5 कैरेक्टर्स रखना होगा, एटलीस्ट 1 नंबर होना पड़ेगा और 1 अल्फ़ाबेट भी होना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्टली, मेरे पास मेरा अकाउंट बने हुआ है तो मैं डायरेक्टली ओपन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे पेटीएम तो खुल जाएगा, पर आपको देखिए जो जब भी पेमेंट के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। तो आपको करना क्या, पहले तो मेरे पास एक ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, तो मैं पहले अकाउंट आपको डाल के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको पहले आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और जो आपने पासवर्ड रखा आपको वो पासवर्ड भी डालना होगा। अब पासवर्ड गलत बता रहा है तो आप कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आप तो चलिए ऐसे है, आपको पेटीएम में पासवर्ड और देखिए सो आपको मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शंस, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए ऊपर आ रहा है पे। पे का मतलब अगर आप किसी को पैसे पे करना चाह रहे हैं या फिर आपको कोई भी शॉप्स पे आपको पैसे देना है, यानी कि पेटीएम के थ्रू, तो आप पे क्लिक कीजिए। उनका QR कोड रहेगा जिसकी वजह से आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। पासबुक का मतलब यह है कि आपकी हिस्ट्री, आपने इसका ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, कितना ही आपके अकाउंट में कितने पैसे, वो पासबुक में आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे देखिए ऐड मनी, यानी कि आपको पेटीएम में पैसे डालने होंगे, वो ऐड मनी आपको इस आपको अपने बैंक अकाउंट से डालने होंगे। ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा आपको, आपके खाली बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पैसे पेटीएम में डालने होंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पेमेंट मेथड की जगह डायरेक्ट आप बैंक से कटा भी सकते हैं। तो इसमें आप ऐड मनी भी कर सकते हैं और आप पैसे चाहे तो रख भी सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र, आप चाहे तो आपके बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के पेटीएम से लेकर। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी पैसे देना चाह रहा है, यहाँ पे कोई पेटीएम के थ्रू आपको पैसे देना चाह रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको आपका एक QR कोड नज़र आ रहा है, ये वो उसके शेरिट से QR कोड ये स्कैन करके आपको पैसे दे देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप बहुत सारे रिचार्जेस भी कर सकते हैं, मोबाइल प्रीपेड, पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, DTH और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। जब आप मोबाइल प्रीपेड पर रिचार्ज करेंगे तो आपको मैं एक स्मॉल डेमो देके बताता हूँ आपको इस पर मोबाइल प्रीपेड पर रिचार्ज करने थे आपको क्या करना होगा। सपोज़ अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। सपोजली मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, ये टाटा डोकोमो का 20 रुपीज़ का रिचार्ज करता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड पूछेगा, वो यहाँ पे हैव ए प्रोमो कोड, यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं यहाँ पे पेटीएम पे, तो आप चाहे तो कुछ सभी ऑफर्स ले सकते हैं। हैव ए प्रोमो कोड पे क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, गेट 5 रुपीज़ फ्लैट रुपीज़, 5 कैशबैक ऑन रिचार्ज और बिल पेमेंट, यानी कि आपको 5 रुपये कैशबैक मिलेगा आपको 10 के ऊपर आप रिचार्ज करेंगे। जब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे बता रहा है, 5 रुपीज़ कैशबैक विल बी एडेड टू योर पेटीएम वैलेट, यानी कि आपके पेटीएम अकाउंट में 5 रुपये आ जाएंगे आप जब रिचार्ज करा देंगे। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें पेमेंट मेथड पूछेगा, यानी कि आप किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं।
तो ये स्मॉल डेमो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप डेबिट कार्ड से भी पैसे पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ये डेबिट कार्ड ये है यानी कि जो हमारा एटीएम कार्ड होता है वही डेबिट कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो अभी बैंक के थ्रू आपको पैसे कटवाने होंगे, कार्ड नंबर और मंथ एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डाल के आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको सेम मेथड इस्तेमाल करना है, आपको सेम पेमेंट भी इस्तेमाल करना है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी बिल पे कर सकते हैं, और बहुत सारे न्यू न्यू ऑफर्स आते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, और इसके थ्रू आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं। और बहुत सारी ऑफर्स में यहाँ पे देखिए बहुत सारे नीचे ऑफर्स है, आप देख सकते हैं। आपको जब भी अगर कुछ ऑफर्स देखना है रिलेटेड टू ये आप जो चाहते हैं। और यहाँ पे मूवी टिकट भी बुक कर सकते हैं, रेल मूवी टिकट, फ्लाइट टिकट्स, एवरीथिंग। यहाँ पे लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी अगर आप मूवी टिकट बुक कर रहे हो तो, क्यों यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेन, बस, हर चीज़, फ्लाइट्स, गिफ्ट कार्ड्स, एवरीथिंग, इवेंट्स, ऑफर, बाइक। और साथ ही साथ एन इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये है कि ये शॉपिंग की भी फैसिलिटी देता है, आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। एश्योर्ड शॉपिंग है यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट भी इसका बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये पेटीएम होता क्या है, पेटीएम से हम कैसे पे कर सकते हैं। अगर आप किसी को पैसे देना भी चाह रहे हो तो यहाँ पे ऊपर पे का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो उसका QR कोड आप स्कैन करके आपको उसे पैसे दे सकते हैं। और पासबुक आपको पूरी डिटेल्स तो मैंने बता दी है, ऐड मनी करके। जब आप ऐड मनी करेंगे तो अगर आपको पेटीएम में पैसे डालना है तो यहाँ पर आप ऐड मनी पे क्लिक करके यहाँ पे कितना अमाउंट डालना चाहते हैं। सपोज मैं 50 रुपीज़ मेरे पेटीएम अकाउंट में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जब मैं ऐड मनी क्लिक करूँगा तो वो सेम बोलेगा मुझे, यानी कि पेटीएम मेथड जो पेमेंट मेथड था यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड से मुझे पैसे डालने होंगे। तो इस तरीके से आप पेटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आप इस्तेमाल कीजिए और आप घर बैठे आप देख सकते ट्रांजेक्शन कीजिए। आई होप आपको इस मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब माई चैनल।